ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। कानपुर उन्नाव जिले के धानीखेड़ा में महादेवन मंदिर में बड़े धूमधाम से जवाबी कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हृदय नारायण दीक्षित, विधानसभा अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख प्रकाश सिंह, अन्य साथीगण, मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुमित द्विवेदी, श्रीकांत पत्रकार हिंदुस्तान के समस्त कार्यकर्ता, भगवंत नगर के भावी विधायक अरुण कुमार दीक्षित आदि मौजूद रहे। कीर्तन गायिका क्रांतिमाला कानपुर से, रोशनी अंजान लखनऊ से गायक कलाकारों के साथ प्रस्तुत किया गया जवाबी कीर्तन। जिंदगी का साथ निभाती है क्या? जिंदगी जिंदगी का साथ निभाती है क्या? शेरनी एक कांटे से भला कराहती है क्या? और जिसका सुहाग मर मिटे अपने ही वतन पर, तो एक सुहागन भला इससे ज्यादा चाहती है क्या? बहुत धन्यवाद है आप लोगों की अपार तालियों के लिए और इस प्यार भरे पुरस्कार के लिए, और मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ पुरस्कार देने वाले भैया लोगों को भी। 101 मुद्राएं दीप पर डॉक्टर श्रवण कुमार मुद्राएं हमारे भैया आदरणीय निशाकांत दीक्षित जी, हिंदुस्तान प्रेस धानीखेड़ा, आपके माध्यम से आपको भी हृदय से नमन कर रही हूँ। प्रधान जी को धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं बॉबी पांडे जी की दया है, एक बार तालियां उनके परिश्रम के लिए बजाएं। बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी, धन्यवाद है भैया। ऐसा काम है, लोग पैसा खर्च करते हैं, बाबा में पैसा भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं, तो हम लोगों से भाग्यशाली कौन होगा। और जब आ गई हूँ दरबार में तो बस बोलिएगा, मुझे कहना ना पड़े, इतने सुंदर सुंदर हाथ मिले हमारे, कैद कर दीजिए आप, कम से कम 16 लोग देंगे, ताली कौन बजा रहा है? और क्या, जो लोग ताली बजाए उन्हीं को कैद करना। बाबा से कहिए, बाबा बाबा अगर आपकी मर्जी ना होती तो कीर्तन कैसे होता? अभी ये कार्यक्रम सरेली में हो रहा था, दो बार हुआ लेकिन दोनों बार पूरा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी नहीं थी। और यहाँ बहुत ही गजब का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी, उसी के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन अनवरत संपूर्ण रात्रि होता रहा। आप लोगों को किन शब्दों में मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं, मेरे शब्द को उसमें शब्द ही अवशेष नहीं बचे। मैं चलने के समय एक बार पुनः दोनों कीर्तनकाराओं को, क्रांति माला जी एवं रोशनी अंजान जी, समिति की ओर से अनेकानेक बार उत्साह स्नेहभाव अभिवादन के शब्द अभिनंदन नमन वंदन करता हूं। और एक विशेष आग्रह है, चिरंजीव सुमित द्विवेदी से कहना चाहूंगा कि वो क्रांति माला जी का चलने के समय उपहार भेंट करें अपने कर कमलों के माध्यम से। क्रांति माला जी कृपया
दो सेकंड के लिए मंच पर खड़ी होने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से आप लोग हमारी समिति का उत्साहवर्धन करेंगे, कलाकारों का नहीं, वही है जो आप लाइक करते हैं। समिति के अध्यक्ष के द्वारा सस्नेह भेंट किया जा रहा है क्रांति माला जी कानपुर को, और इसी श्रृंखला में बड़ी खुशी होती है हमको कि मात्र दूरभाष के माध्यम से इतना स्नेह बढ़ गया रोशनी अंडान जी का मुझसे। हमारे दिलीप कुमार जी ग्राम प्रधान के द्वारा कर्कमलों द्वारा रोशनी अंडान जी को सस्नेह उपहार भेंट किया जा रहा है। ये उपहार नहीं, ये मान के चलिए हम लोग अभी नई समिति है उसी हिसाब से गठन किया गया है, और सस्नेह आप लोगों ने स्वीकार किया, ये हम लोगों को बहुत ही खुशी का विषय है हम सभी लोगों के लिए। पुनः आप दोनों ही कीर्तन महान कलाकारों को मेरी समिति की ओर से, मेरे ग्राम समाज की ओर से, मेरे क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि जगदम्बे माँ भवानी, उससे कहा पहले सीता तब राम, पहले राधा फिर श्याम, पहले गौरी तब शंकर, पहले लक्ष्मी तब नारायण, और ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने में कोई पिता नहीं था, माता आदि शक्ति का काम था, इसलिए कह रही हूँ। अरे सीता राधा शिव की शिवानी, और जगदम्बे माँ भवानी, तो कहने लगी क्या कि लक्ष्मी बाई, ये भी तो बेटी थी कि लक्ष्मी बाई वो पन्ना धाई, अरे लक्ष्मी पापा मेरा राम जी यादव प्रबंधक श्री सिद्धेश्वर युवा संघ धानी खेड़ा, जिला मीडिया प्रभारी ग्राम रोजगार सेवक संघ बीघापुर धानी खेड़ा उन्नाव उत्तर प्रदेश, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, एक बार तालियां चाहूंगी भाई साहब के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और युवा सपा नेता भैया राम पूजन यादव सदस्य श्री सिद्धेश्वर युवा संघ धानी खेड़ा, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। और सुमित द्विवेदी जी आप अध्यक्ष है श्री सिद्धेश्वर युवा संघ धानी खेड़ा, पत्रकार अपनी बात को यही विराम देते हैं, जय श्री और बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बहुत कुछ कह गए, समझदार के लिए इशारा पर्याप्त होता है। हमारे शत्रुघ्न भैया ने हम सभी लोगों को अपने स्नेहाशीष से, शुभाशीष से नवाजा, बहुत 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 सा धन्यवाद, अभिनंदन, नमन। मैं सभी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, सच्चाई ये है जिनके अपनी श्रेय से जीवन पापन्वित एवं पुष्पित होने वाली आत्मीयता की स्तुति एवं स्मरणीय है हमारे अरुण भैया जी। प्रतिफल प्रतिधन किसी भी समय हम लोग यहाँ पे दुर्भाग्य के माध्यम से यदि फोन करते भैया ये समस्या, बोले चिंता न करो, एक बड़ा भाई क्या करेगा, जो रोल उनका अदा होता है हम सभी लोगों के प्रति, हमारे प्रति नहीं, समुद्र क्षेत्र में जितने भी उनके अभिन्न अंग हैं, सदस्य हैं, क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, किसी का भी दुख दर्द हो पूर्ण रूप से निवारण करने का पूर्ण चेष्टा करते हैं। मैं निवेदन करूंगा उन भैया जी से कि एक बार हमारे आग्रह को स्वीकार कर लें।
किसी के साथ अपनी वाणी को यही मैं आप सभी से और बड़ी बहन से भी, क्योंकि रात भर जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ कुछ ना कुछ गलत भी निकल सकता है, उसके लिए मैं आप सभी से यही कहूँगी अपना समझ के क्षमा करें, बड़ी बहन से भी कहूँगी क्षमा करें, कमेटी से भी कहूँगी क्षमा करें, और जब फिर याद करें तो थोड़ा क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल सिद्धेश्वर महादेव के साथ अपनी वाणी को यही मैं आप सभी से और बड़ी बहन से भी, क्योंकि रात भर जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ कुछ ना कुछ गलत भी निकल सकता है, उसके लिए मैं आप सभी से यही कहूँगी अपना समझ के क्षमा करें, बड़ी बहन से भी कहूँगी क्षमा करें, कमेटी से भी कहूँगी क्षमा करें, और जब फिर याद करें तो थोड़ा क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल सिद्धेश्वर महा और लगन करी जिज्ञासा आपके अंदर अंतरात्मा में जागृत हो रही है, दिग्दर्शक हो रही है, तो निश्चित ही सफलता चरण चूमेगी। मेरा कहने का अभिप्राय ये, मैंने बता दिया। साथ ही एक विशेष सूचना, पार्किंग के लिए हमारे मंच के पीछे व्यवस्था की गई है। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, कोई भी मोटरसाइकिल हो चाहे साइकिल हो, पहले